जिला यमुनानगर में ब्लॉक जठराना के गांव करहेड़ा खुरद से सुरेशो देवी इंसा अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजे। सुरेशो इंसा के परिजनों ने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए मरणोपरांत उनकी इच्छा के अनुसार उनकी मृत देह को मेडिकल सर्च के लिए लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली को दान किया गया, जहाँ मेडिकल के छात्र उनकी देह पर रिसर्च कर अपनी डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर सकेंगे और भविष्य में इंसानी बीमारियों को लगाम लगाने में रिसर्च कारगर साबित होगी। वहीं उनकी आंखें माधव नेत्र बैंक करनाल की टीम को दान की गई, जो दो अंधेरी जिंदगियों को रोशन करेगी। इसी के साथ बेटा बेटी एक समान मुहिम के तहत सुरेशो इंसा की देह को उनकी भतीजियों काजल रेनू रीटा व ममता ने कंधा दिया। इस अवसर पर पहुंचे शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों व लोगों ने सुरेशो इंसा अमर रहे के गगनभेदी नारों से गुंजायमान किया। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक बंगीदार डॉक्टर करमवीर इंसा ने बताया कि साध संगत हमेशा मानवता भलाई के 134 कार्य करती है, उन्हीं कार्यों में शुमार है मरणोपरांत आंखें दान करना व देह दान करना। यही आह्वान करते हैं सारी साध संगत से और सारी जनता से कि वो अपने अंतिम समय में अगर अपनी बॉडी को किसी मानव भलाई के लिए दान करेंगे और अपना अच्छा नाम कमाएंगे मालिक की शरण में, अच्छा उनकी इज्जत होगी, तो यही मैं सारी जनता को और डेरा सच्चे सौदे के उन अनुयायियों के आगे प्रार्थना करता हूँ। सुरेश बाला इंसान वो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके मालिक के चरणों में जा विराजी हैं, तो उनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि वो अपना जो ये पंच तत्व का शरीर है इसे मानवता भलाई के कार्यों में दान करें। तो हम उनकी इच्छा का मान रखते हुए और अपने सतगुरु की प्रेरणा पर चलते हुए उनकी जो इस इच्छा की आज पूर्ति की है जी। तो जाते जाते मैं ऐसा काम करके जाना चाहती हूँ कि भाई जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, एक नया रास्ता मिले, मानवता भलाई के नए रास्ते खुले। तो उनकी इच्छा थी कि भाई मेरे मरने के बाद जो है ना ये मेरा शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज में दान दिया जाए। तो आज उसी के तहत परिवार की अपनी इच्छा के अनुसार उनके सहयोग से आज ये डेरा सच्चा सौदा शिक्षक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के, जैसे आप देख रहे हो सभी मेंबर यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो सभी के सहयोग से आज ये कार्य जो है ना पूरा किया गया। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जिनमें खून दान, शरीर दान, मरने के बाद आंखें दान, और जो गरीब लाचार विधवा बहनें हैं उनके बच्चों की शादी करवाना, उनको मकान बनवा के देना, जिनके गरीब है लाचार है अपना इलाज नहीं करवा सकते उनका इलाज में सहयोग करना, और सबसे बड़ा मानवता भलाई का काम जो आज तक शायद ही इतिहास में कोई कर पाया हो कि जो हमारी बहन बेटियां किसी मजबूरीवश अपने गलत काम में फंसी हुई है, वेश्यावृत्ति जैसे गंदे धंधों में फंस गई है मजबूरीवश या किसी भी कारण से, तो उनको उस दलदल से निकाल के समाज की मुख्य धारा में ला के उनको अच्छे घरों में अच्छे परिवारों में उनकी शादियाँ करवाना, तो मैं मानता हूँ कि इतिहास में आज तक शायद किसी ने इतना बड़ा कार्य ना किया हो। रादौर से लाजपत राय, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।